We were talking about more food and better food. How science has influenced our eating habits? Science ने किस तरह से हमारे खाने पीने की आदत को influence किया है? How science has enabled us to secure variety of food? किस तरह से science ने हमें enable किया है कि हम अपने लिए variety of food जो है मुख्तलिफ अकसाम का खाना जो है उसे secure कर सकें? More food and better. ज्यादा खाना, ज्यादा खुराक और बेहतर खुराक. Changes, transformations, alterations have taken place, have occurred. Present perfect है. तब्दीलियां वाकई हो गई हैं टू भी इन आर ईटिंग हैबिट्स. हैबिट का सिनोनिम कस्टम कर सकते हैं, CUSTUM. हमारे खाने पीने की आदत में भी तब्दीलियां वाकई हुई हैं. Through the use of science, science के इस्तेमाल से we have learned, हम जान गए हैं that it is healthful to eat many kinds of food, के बहुत सी अकसाम का, अनवाव अकसाम का खाना खाना बाय से सेहत हुआ करता है. And we have learned, और हम सीख गए हैं how to provide ourselves, how to deliver ourselves, कि अपने आप को कैसे फराहम किया जाए with a variety of food. Next slide. With a variety of foods, मुख्तलिफ अकसाम का खाना throughout the year, पूरे के पूरे साल. साइंस के इस्तेमाल से हम सीख गए हैं कि अनवाव अकसाम का खाना खाना बायस से सेहत हुआ करता है. और हम जान गए हैं कि पूरे के पूरे साल हम अपने आप को मुख्तलिफ अकसाम का खाना किस तरह से फराहम करें, मुहैया करें. नो, एक्चुअली द मैटर इज दैट, मामला ये है बच्चे के just a few years back, कुछ साल पहले तक there used to be a great limitation when it comes to our eating habits. जब हम अपनी eating habits को discuss करते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा limitation हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास ये storage के resources नहीं थे, storage के खुराक को जखीरा करने के वसाइल नहीं थे. That is what the authors are saying. बिल्कुल यही बात जो authors हैं, मुसन्निफ हैं, वो कर रहे हैं. That people who lived a century ago, एक सदी पहले रहने वाले लोग, probably perhaps enjoyed, लुत्फंदोज हुआ करते थे. Enjoy का synonym कर सकते हैं savor, savour. Eating, खाने पीने से as much, उतना ही as we do, जितना कि हम होते हैं today, आज. एक सदी पहले रहने वाले लोग गालिबन खाने पीने से उतना ही लुत्फंदोज हुआ करते थे जितना कि हम आज होते हैं. बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, लेकिन उन्हें इस कदर मुख्तलिफ अकसाम का खाना मुयस्सर नहीं था. सो द रेंज ऑफ द फूड दैट दे एक्चुअली एंजॉयड वॉज क्वाइट शॉर्ट. उनका जो रेंज थी खाने की वो बहुत लिमिटेड हुआ करती थी, महदूद हुआ करती थी. क्यों हुआ करती थी? मोस्ट ऑफ देयर फूड्स, उनकी ज्यादातर खुराक हैड टू बी प्रोड्यूस्ड, हैड टू बी ग्रोन. प्रोड्यूस का सिनोनिम ग्रो कर सकते हैं, GROW, ऑन देयर ओन फार्म्स और इन देयर ओन गार्डन्स. नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए. उनकी ज्यादातर खुराक उन्हें अपने खेतों या अपने बागात में पैदा करना होती थी. Since fresh vegetables could be obtained, could be secured, secured, only during the growing season, farming season. क्योंकि ताजा सब्जियां सिर्फ उगने के मौसम में ही हासिल की जा सकती थी. People living in cold climates had none during the winter months. इसलिए सर्द आबो हवा के इलाके में रहने वाले लोगों के पास मौसम में सर्मा के महीनों में खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था. होता क्या है कि इफ यू आई मीन जस्ट टॉक अबाउट आर नॉर्दर्न एरियाज, हमारे नॉर्दर्न एरियाज की बात कर लें, वेयर इट एक्चुअली फ्रॉस्ट इन विंटर, जहां विंटर में मौसम में सर्मा में इट हेल्स इन विंटर, ज्याला बारी होती है, स्नोफॉल हुआ करती है. सो स्नोफॉल के दौरान देर इज नो, I mean, you just cannot think of growing anything. आप कुछ उगाने का, कुछ पैदा करने का नहीं सोच सकते. So, just cold climate में, सर्द आबो हवा में रहने वाले लोग हुआ करते थे. They literally had nothing to eat during the winter months. उनके पास winter months में खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था.
थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स। थ्रिफ्टी कहते हैं किफायत शुआर को, और थ्रिफ्टी का सिनोनिम हम कहते हैं फ्रूगल, स्टोर्ड, जखीरा करती, महफूज करती। प्रिजर्व का सिनोनिम स्टोर कर सकते हैं STORE। देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बाय केनिंग, पिकलिंग एंड ड्राइंग। नेक्स्ट स्लाइड पे आए, एंड ड्राइंग देम फॉर यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। किफायत शुआर बीवियां घर में उगाई गई सब्जियों और फलों को सर्द मौसम में इस्तेमाल करने के लिए डब्बों में बंद करके, विच इज केनिंग, अचार बनाकर, विच इज पिकलिंग, या खुश्क करके महफूज किया करती थी। सो दीज वर द प्रिमिटिव मेथड्स, ओल्ड मेथड्स विच वर एक्चुअली इन वोग फॉर प्रिजर्वेशन दोज डेज। ये वो पुराने तरीकाकार थे जो उन दिनों खुराक को जखीरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। So, एक सवाल हो सकता है दैट व्हाट वर द ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन के ओल्ड मेथड्स क्या थे, या आपसे पूछा जा सकता है हाउ डिड द हाउसवाइव्स प्रिजर्व देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो हाउसवाइव्स हुआ करती थी वो घर में उगाई गई सब्जियों और फलों को किस तरह से महफूज बनाया करती थी। सो आंसर वुड बी दैट द थ्रिफ्टी हाउसवाइव्स प्रिजर्व देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बाय पिकलिंग, केनिंग और ड्राइंग फॉर यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। सर्द मौसम में इस्तेमाल करने के लिए जो हाउस वाइफ हुआ करती थी वो घर में उगाई गई सब्जियों और फलों को डब्बों में बंद करके, अचार बनाकर और खुश करके महफूज किया करती थी। और मीट्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता था? मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाय साल्टिंग एंड ड्राइंग और बाय फ्रीजिंग व्हेन द वेदर वॉज कोल्ड एनफ। गोश्त को नमक लगाकर और खुश्क करके, या मौसम के खासा ठंडा होने की सूरत में जमा कर महफूज बनाया जाता था। सो जहां फल और सब्जियां जो हैं उन्हें केनिंग, पिकलिंग और ड्राइंग से स्टोर किया जाता था, प्रिजर्व किया जाता था, वहीं जो गोश्त है इट वाज एक्चुअली प्रिजर्व्ड रादर डिफरेंटली। इसे थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में प्रिजर्व कैसे किया जाता, वो कैसे कि इट वॉज साल्टेड एंड ड्राइड, इसे नमक लगाकर खुश किया जाता था, और एल्स इट वॉज फ्रोजन इफ द वेदर वॉज कोल्ड इनफ, या अगर मौसम खासा ठंडा होता तो मीट को जो है जमा लिया जाता था। सी फूड्स वर जनरली वर कॉमनली अवेलेबल ओनली अलोंग द कोस्ट, ओनली अलोंग द बीच, ओनली अलोंग द शोर। कोस्ट का सिनोनिम बीच भी कर सकते हैं, शोर भी कर सकते हैं, SHORE। समुद्री गिजा आमतौर पर सिर्फ साहिल के साथ साथ मुयस्सर होती। फिश एंड शेल फिश कुड बी ईटन सून आफ्टर देवर कॉट। फिश और शेल फिश को, मुख्तलिफ अकसाम की मछलियों को पकड़े जाने के फौरन बाद ही खाया जा सकता था। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। ऑफ कोर्स देयर वाज नो मेथड टू प्रिजर्व देम। जो सी फूड था उसे प्रिजर्व करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था। सो That could be caught, that could be eaten soon after it was caught. उसे पकड़े जाने के फौरन बाद तक ही खाया जा सकता था। Next slide पे आए जी। Regardless of where people live today, regardless कताए नजर of where people live today, इससे कि आज लोग कहाँ रहते हैं, they can obtain, they can secure some fresh fruits, meats and vegetables throughout the year. आज इस बात के कताए नजर के लोग कहाँ रहते हैं, वो पूरे के पूरे साल अपने लिए कुछ ताजा फल, गोश्त और सब्जियां हासिल कर सकते हैं बाय द क्विक फ्रीज मेथड। क्विक फ्रीज मेथड के जरिए, द मेथड विच इज एम्प्लॉयड इन फ्रीजर्स, ये जैसे हम अपनी खुराक को फ्रीजर में रख के जमा के स्टोर करते हैं उसे क्विक फ्रीज मेथड कहा जाता है। By the quick freeze method, vegetables, fruits, seafoods, and meats of various kinds can be preserved, can be stored, so that, next slide, they are both nutritious and enjoyable. क्विक फ्रीज मेथड के जरिए सब्जियों, फलों, समुद्री खुराक और मुख्तलिफ अकसाम के गोश्त को
इस तरह से जखीरा किया जा सकता है कि वो गजाइत से भरपूर भी रहे और काबिले लुत्फ भी रहे। मॉडर्न मैथड्स ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग फूड्स हैव रिमूव्ड, हैव एंडेड द रिस्क। रिस्क कहते हैं खतरे को, सिनोनिम करते हैं थ्रेट, THREAT, डेंजर कर सकते हैं, ऑफ पॉइजनिंग फ्रॉम केन्ड फूड्स। सेलेक्टिंग इंतखाब करने, ग्रेडिंग दर्जा बंदी करने, एंड प्रोसेसिंग फूड्स और खुराक को कीमियाई अमल से गुजारने के जदीद तरीकों ने डब्बे वाली खुराक के जहरीला हो जाने के खतरे को खत्म कर दिया है। यू नो वी हैव दिस केन्ड मिल्क अवेलेबल इन द मार्केट। अब हमारे पास मिल्क पैक्स अवेलेबल हैं, केन्ड मिल्क अवेलेबल है मार्केट में, एंड यू कैन यूज इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप एक लंबे अरसे तक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी डेंजर ऑफ बीइंग विदाउट एनी डेंजर ऑफ पॉइजनिंग, और पॉइजनिंग का वहां पे उसके जहरीला होने का कोई खतरा नहीं होता। ये किस तरह से मुमकिन हुआ है? ड्यू टू द मॉडर्न मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग। डिहाइड्रेशन और द रिमूवल ऑफ वॉटर। डिहाइड्रेशन, पानी को निकाल दिया जाना फ्रॉम सच फूड्स, डिहाइड्रेशन और द रिमूवल ऑफ वॉटर फ्रॉम सच फूड्स एज मिल्क, एग्स, पोटैटोज एंड एप्पल्स हैज प्रूव्ड अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। दूध, अंडों, आलुओं और सेबों जैसी गिजा से पानी का निकाल दिया जाना महफूज बनाए जाने का एक अमली तरीका साबित हुआ है। सो फूड्स लाइक एग्स, मिल्क, पोटैटोज एंड एप्पल्स कैन एक्चुअली बी प्रिजर्व थ्रू डिहाइड्रेशन। आप इस खुराक को डिहाइड्रेशन के जरिए यानी पानी के निकाल देने के साथ जो है महफूज बना सकते हैं। आर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट द ओनली थिंग्स इन आर लाइव्स चेंज्ड, अल्टर्ड, ALTERED बाय द यूज ऑफ साइंस। हमारे खाने पीने की आदत साइंस के इस्तेमाल के जरिए हमारी जिंदगी में तब्दील होने वाली वाहिद चीजें नहीं है। बिकॉज वी हैव यूज्ड साइंस, बिकॉज वी हैव इम्प्लॉयड साइंस, EMPLOYD, टू लर्न मोर अबाउट द प्रोसेसेस मटेरियल्स इन आवर सराउंडिंग्स, क्योंकि हमने साइंस का इस्तेमाल अपने इर्द गिर्द मौजूद अवामिल और मादों को ज्यादा बेहतर अंदाज में जानने एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग देम और उन पर काबू पाने के तरीकों के बारे में जानने के लिए किया है। वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव आवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेस, कॉन्स्ट्रक्टिंग हाउसेस, CONSTRUCTING, आवर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड इवन द वे वी स्पेंड आवर लेजर टाइम। क्योंकि हमने साइंस का इस्तेमाल अपने इर्द गिर्द मौजूद अवामिल और मादों और उन पर काबू पाने के तरीकों के बारे में जानने के लिए किया है, इसलिए हम अपने घरों की तामीर के तरीके, अपने ज़राए मवासिलात और ज़राए नकलो हमल और हत्ता के उस अंदाज को जिसमें हम अपना फुर्सत भरा वक्त गुजारते हैं बेहतर बनाने के काबिल हुए हैं। So all these changes have been made possible due to the use of science. ये जितनी भी तब्दीलियां हैं ये सब की सब साइंस के जरिए मुमकिन हुई हैं। Science has not only changed our eating habits, science ने सिर्फ हमारे खाने पीने की आदत को चेंज नहीं किया, but it has also enabled us to improve our ways of building houses. It has enabled us to improve our methods of communication and transportation. And even the way we spend our leisure time. Science ने सिर्फ हमारे खाने पीने की आदत को नहीं बदला, science के जरिए हम अपने घरों के बनाने के तरीके बेहतर बनाने के काबिल हुए। You can see the revolution in communication that we are experiencing today. ये जो आज हम witness कर रहे हैं एक इनकलाब communication में, कि all of us are sitting back at our homes and still attending a lecture. हम सब अपने घरों पर बैठे हैं और अभी भी हम एक lecture attend करने के काबिल हैं। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन है, यू कैन गो अराउंड द वर्ल्ड इन नो टाइम, आप पलक झपकने में दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। और इवन जो लेजर टाइम का फुर्सत भरा वक्त गुजारने का तरीका है, दैट हैज आल्सो बीन चेंज्ड बाय साइंस। इन अदर वर्ड्स, दैट द प्रेफरेंसेस हैव बीन चेंज्ड बाय साइंस। साइंस ने लोगों की प्रेफरेंसेस जो है तरजीहात को बदल दिया है।
पहले लोग अपना लेजर टाइम फुर्सत भरा वक्त कैसे गुजारते थे? दे यूज टू सिट टुगेदर इन सम चौपाल, सम पार्लर, सम ड्राइंग रूम. वो किसी पार्लर में, किसी चौपाल में, किसी ड्राइंग रूम में इकट्ठे होकर बैठते. दे वुड प्ले सम आउटडोर गेम. वो कोई बाहर जाकर खेल खेलते. हाउ डू द पीपल स्पेंड लेजर टाइम टूडे? आज लोग लेजर टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? दे रीड बुक्स ऑन मोबाइल्स, ऑन देयर सेल फोन्स. वो अपने सेल फोन पर बैठकर बुक्स पढ़ते हैं. दे प्ले सम इंटरनेट गेम्स. वो इंटरनेट के ऊपर बैठकर जो है वो गेम्स खेलते हैं. सो ऑल दिस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय साइंस. ये सब कुछ जो है साइंस के जरिए मुमकिन बनाया गया है. नेक्स्ट स्लाइड पे आए भाई. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी गॉट टू नो अबाउट इज व्हाट इज एन एटीट्यूड. पहली बात जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो है कि एटीट्यूड क्या है. बाय एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टूवर्ड सम आइडिया. आइडिया ख्याल सिनोनिम कर सकते हैं नोशन, NOTION, और सम इंसिडेंट. सो व्हाट इज एन एटीट्यूड? एटीट्यूड क्या है? रवैया क्या है बेटा? रवैये से हमारी मुराद वो अंदाज है जिससे हम किसी तसव्वुर, किसी ख्याल या किसी वाकये के बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं. इट्स इलस्ट्रेशन इज कमिंग फोर्थ. इसके आगे जो है इलस्ट्रेशन, इसकी एक मिसाल हमारे सामने आ रही है कि एम्यूलेट है. एम्यूलेट, MULET. टैलिस्मान कर सकते हैं, TALISMAN. अगर किसी शख्स का यकीन हो कि कोई खास किस्म का तावीज पहनना will prevent him, will guard him, GURD, from having bad luck. Bad luck, बदकिस्मती, misfortune, MISFORTUNE. हमें किस चीज की मिसाल दी जा रही है? It's actually an attitude that is being explained to us. Attitude explain किया जा रहा है. Attitude क्या है? कि अगर किसी शख्स का मानना हो कि कोई खास किस्म का तावीज पहनना उसे बदकिस्मती से महफूज रखेगा, ही विल वेयर द चार्म, तो वो उस तावीज को पहनेगा एंड विल फील अनकंफर्टेबल. नेक्स्ट स्लाइड दीजिए. एंड विल फील अनकंफर्टेबल. अनकंफर्टेबल का सिनोनिम हम कर सकते हैं इनकन्वीनियंट, INCONVENIENT. I repeat, INCONVENIENT. Without it. अगर किसी शख्स को का मानना हो, कोई शख्स यकीन रखता हो कि कोई खास किस्म का तावीज पहनना उसे बदकिस्मती से महफूज रखेगा, तो वो उस तावीज को पहनेगा और उसके बगैर बे आरामी महसूस करेगा, उसके बगैर इज़्तिराब महसूस करेगा, बेचैनी महसूस करेगा. दिस इज व्हाट इज एन एटीट्यूड बेटा. इसे क्या कहा जाता है? इसे एटीट्यूड कहा जाता है. फीलिंग्स, सेंसेशंस, SENSATION, विच इन्वॉल्व, विच इंक्लूड फियर्स, एप्रीहेंशंस. फियर्स का सिनोनिम क्या कर सकते हैं? एप्रीहेंशंस, APPREHENSIONS. Such as this are called superstitions. वो एहसासात जिनमें इस तरह के खदशात शामिल हों तवहुमात कहलाते हैं. Superstitions किसे कहते हैं? Superstition की जमा है. Superstition वहम को कहते हैं और superstitions की जमा होगी तवहुमात. Superstitious people, वहमी लोग, बिलीव, यकीन रखते हैं इन साइंस, इंडिकेशंस, INDICATION, इंडिकेशन, सिम्टम, SYMPTOM, ऑफ गुड और बैड लक. वहमी लोग अच्छी या बुरी किस्मत की अलामात पर यकीन रखते हैं एंड देयर लाइव्स और उनकी जिंदगियां आर ग्रेटली इंफ्लुएंस्ड, ग्रेटली अफेक्टेड
by such signs, और उनकी जिंदगियां इस तरह की अलामात से बड़ी हद तक मुतासिर हुआ करती हैं, उनकी जिंदगियां इस तरह की अलामात से बड़ी हद तक मुतासिर हुआ करती हैं। सो सुपरस्टिशंस जो हैं, दे आर जनरली प्रैक्टिस बाय द पीपल, आमतौर पर लोग इन सुपरस्टिशंस पर प्रैक्टिस भी करते हैं। हमारे यहाँ भी, हमारी फोकलोर में भी इस तरह की सुपरस्टिशंस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर दूध बिखर गया, इट्स अ साइन ऑफ बैड लक, ये बुरी किस्मत की अलामत है। बिल्ली रास्ता काट गई, सो यू मस्ट नॉट ट्रेवल, फिर आपको सफर पर नहीं जाना चाहिए। All of these are actually the examples of superstitions. ये सब जो हैं superstitions की examples हैं. And the use of scientific method has actually enabled us to overcome these superstitions. साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल ने हमें इन superstitions पर, हमें इन तबहुमात पर काबू पाने के काबिल बनाया है. Superstitious beliefs are being overcome. ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, कंट्रोल सिनोनिम कर सकते हैं, CONTROL चेक कर सकते हैं, CHECK पैसिव वॉइस है। सुपरस्टिशियस बिलीफ्स आर बीइंग ओवरकम बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीकाकार का इस्तेमाल करके वहमी अकाइद पर, तबहुमाती अकाइद पर काबू पाया जा रहा है, टू डिमॉन्स्ट्रेट, टू शो, ये जाहिर करने के लिए दैट देयर इज नो साउंड बेसिस, नो साउंड, साउंड कहते हैं ठोस को, सॉलिड, SOLID, बेसिस कहते हैं बुनियाद को, बेसिस का सिनोनिम कर सकते हैं फाउंडेशन, FOUNDATION फॉर देम। वहमी अकाइद पर साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल के जरिए ये जाहिर करके कि इन तवहुमात की कोई ठोस बुनियाद नहीं होती, काबू पाया जा रहा है। सो साइंस ने क्या किया है, साइंस हैज एक्चुअली रिवील्ड, साइंस ने ये रिवील किया दैट देयर इज नो सॉलिड फाउंडेशन, देयर इज नो साउंड बेसिस फॉर दिस सुपरस्टिशंस, ये जो तवहुमात हैं इनकी कोई ठोस बुनियाद नहीं। Few people today believe that diseases are caused by evil spirits. Few people, a few, ये a few नहीं है बेटा, इसका मतलब चंद नहीं होगा, few का मतलब है almost nobody, ना होने के बराबर। Few people today believe, आज ना होने के बराबर लोग यकीन रखते हैं that diseases, ailments, ALMENTS आर कॉज्ड बाय इवल स्पिरिट्स, आज ना होने के बराबर लोग यकीन रखते हैं कि बीमारियां बदरूहों के बाइस हुआ करती हैं। आई मीन यू मस्ट नॉट बी सरप्राइज्ड अबाउट दिस, इसमें आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। थिंक अबाउट एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के बारे में देख लीजिए, मिर्गी जो है, मिर्गी की बीमारी जो है, आई मीन आई गेस इवन इन आवर विलेजेस, इवन टूडे इन आवर विलेजेस, आज भी हमारे विलेजेस में पीपल बिलीव दैट इट इज बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एन इवल स्पिरिट, ये किसी बदरूह की वजह से होती है। बाहर थ्रू एस दाउ एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड, एस्ट्रोलॉजी सितारों का इल्म फलकियात एंड फॉर्चून टेलिंग किस्मत का हाल बताना आर स्टिल प्रैक्टिस्ड एक्सरसाइज्ड, EXERCISED, they do not influence, next slide, they do not influence, they do not affect the lives of as many people as they once did. Agarche sitaron ke ilm aur kismat ke hal bataye jane par abhi bhi amal kiya jata hai, lekin ab ye us qadar logon ki zindagiyon par asar andaz nahi hote jitna ki ye kabhi hua karte the. And this all has been made possible due to science. Ye sab science ke zariye mumkin hua hai. All right beta, let's stop it here. Apne lecture ko yahin rokte hain.